जेएल अस्पताल के नवनिर्मित इमरजेंसी वार्ड में घुसा गंदा पानी। प्रशासन द्वारा शिकायत देने पर भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। आने जाने वाले मरीजों को उठानी पड़ रही है परेशानी। अजमेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जेएल अस्पताल में इन दिनों अव्यवस्था का आलम है। करीब 2 करोड़ से ज्यादा लागत से नवनिर्मित इमरजेंसी वार्ड में नालों का पानी आने से मरीज और मरीज के परिजनों को परेशानी हो रही है। वहीं इस नाले के पानी से अस्पताल में बीमारी फैलने का डर लगातार बना हुआ है। आज अजमेर के नवनिर्मित इमरजेंसी वार्ड, जिसका पिछले महीने चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा द्वारा उद्घाटन किया गया था, इसमें नालों का पानी वार्ड में इस तरह आता है जैसे बरसात का पानी सड़कों पर बहता है। इस बात की शिकायत कई बार अस्पताल प्रशासन ने पीडब्ल्यूडी को भी दी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई प्रशासनिक स्तर पर नहीं हो सकी। इसका सीधा सीधा खामियाजा अस्पताल में आने जाने वाले मरीज और मरीज के परिजनों को उठाना पड़ रहा है। जो पानी भर रहा है, गंदा पानी, ये जो ईएमयू का पानी भर रहा है ना, ये आगे जो नाला है ना अपना, आगे जिसके एग्जिट है, जो मतलब निकास है अपना नाले का, उसमें पीडब्ल्यूडी वाले कारीगरों को जब वो सीमेंटेड कर रहे थे ना, उस टाइम भी मैंने बोला था, चैम्बर को भी चैम्बर बंद कर दिए गए पीडब्ल्यूडी और उनके द्वारा, इसलिए ये पानी आगे जाने के लिए रास्ता नहीं है तो ये यहाँ निकलता है। आपने शिकायत भी? हाँ, शिकायत तो कई बार बोल दिया, मौखिक रूप से बोल दिया इनको कई बार, फिर अभी तो हुआ ही नहीं ना। कारीगरों को मैंने मना करा था, मैंने चैम्बर पहले बनाओ जी, बस। किस तरह की परेशानी आ रही है उसको देखते हुए? सर, कैसा पानी है? पानी तो सारा ही जाता है इसमें, गंदा पानी है। गंदा भी है, साफ भी है, हाथ वॉशरूम का भी है, अपन हैंड वॉश वगैरह सब करते हैं उसी के, सब भी पूरा ही है। अभी क्या शिकायत दी क्या आज के लिए दी क्या शिकायत? आज तो उसको हरिप्रसाद केवल साफ करने के लिए कहा, मैंने अभी साफ तो करा, फिर अपन वापस और चलेंगे भाई। ठीक है, आपका नाम? अमर सिंह।